विपक्ष ने आज बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष ने अपने तल्ख तेवर दिखाए हुए। प्रश्नकाल के दौरान ब्लड ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में ब्लड ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन में वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ब्लड ड्रग पार्क के निर्माण कार्य को सरकार जानबूझकर लटकाने का काम कर रही है, जबकि पूर्व सरकार की कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश को ब्लड ड्रग पार्क की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति में बदलाव होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन सरकार प्रोजेक्ट के काम को रोकने का प्रयास ना कर रही है, जो सराहनीय नहीं है। हालांकि प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, प्रोजेक्ट में पारदर्शिता से काम हो रहा है और भारत सरकार की गाइडलाइन से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रोजेक्ट को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के काम में समय लगेगा। प्रोजेक्ट को हिमाचल की शर्तों के अनुरूप आगे ले जाया जाएगा। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की, सदन से वॉकआउट कर दिया गया। झूठ बोलने की, जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर सकते हैं, कि मुख्यमंत्री निवास पर हमने लोगों को बैठने के लिए एक जगह बनाई, उसमें छोटी सी एक पट्टी का हमारे नाम की लगाई गई और वो लगती भी है। हमने लिफ्ट लगाई और लिफ्ट लगा करके उसकी एक छोटी सी पट्टी का लगी वहां पर, लेकिन एक एक चीज को हटा दिया गया और मुख्यमंत्री जी कहते मुझे तो मालूम ही नहीं है। जिस मुख्यमंत्री निवास में उनको ठहरते हुए एक साल हुआ, अभी तक मुख्यमंत्री जी हाउस के अंदर कह रहे हैं कि वहां पर लिफ्ट लगी है, मुझे तो पता ही नहीं। इतना झूठ बोल करके कोई आदमी इस प्रकार से बात करे, मुख्यमंत्री बात करे, तो सचमुच में ये हास्यास्पद परिस्थिति है। बात कही कि हम उनको रिस्टोर करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे, लेकिन किसके आदेश पर हटाई गई है, पहले तो प्रश्न यही होता है। बाकी मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की पट्टिका तो तोड़ी जा रही है, उसके बारे में तो उन्हें आदेश किए, लेकिन जहां मुख्यमंत्री निवास पर ही ये हो रहा है तो क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं। एक बात ये, जो गारंटी वाली जो बात आज आपने कही, आज पिछले कल उन्होंने कहा सदन के अंदर कि हमने नौकरियां नहीं कहा है, 1 लाख नौकरियां नहीं कहा है, हमने 1 लाख रोजगार कहा है आज। और सरकार के नहीं, उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, किसी भी तरह का रोजगार हो सकता है, इस प्रकार की हमने बात कही है। हमने वहां पर कल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ये जो है ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये तो है वो फेक है, फेक करके उन्होंने इस प्रकार का कहा कि ये गलत है। आज हमने उनका घोषणा पत्र लाया और वो घोषणा पत्र विधिवत नियम के अनुसार हमने सदन में ले किया। ले करने के बाद स्पीकर साहब ने उस घोषणा पत्र को मंगवाया अपने चेयर पर और वहां उन्होंने वही पंक्तियां, वही शब्द पढ़ करके सुनाए। मालूम ही क्या हो गया कि जितना झूठ बोल सकते हैं सदन के अंदर, जितना गुमराह कर सकते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश, जिस छोटे से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क और दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क। और उस वक्त एज इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम सिंह जी और पूरे अधिकारियों ने इनके साथ मिल करके इन दोनों प्रोजेक्ट को, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल की बीडिंग हुई थी, उस सारी इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए बहुत मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट हासिल किया। जब आज माननीय सदस्य विक्रम सिंह ठाकुर जी ने प्रश्न का उत्तर पूछा तो मंत्री महोदय कुछ और कह रहे थे और मुख्यमंत्री उनके विपरीत कुछ और कह रहे थे। पहला तो प्रश्न ये होता है कि जब मुख्यमंत्री के सामने मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेट इस प्रोजेक्ट को ना चलाए और स्टेट के बजाय जो है जो इंटरनेशनल जो नेशनल बिडिंग हुई है उसी प्रोसेस में आगे बढ़े,
लेकिन सरकार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी को इशारा करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि स्टेट इसको करे। स्टेट की क्या स्थिति है, क्या स्टेट इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए कानून और नियमों के मुताबिक उसको इजाजत केंद्र सरकार से लेनी नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया है, रोक दिया गया है। जो एपीआई के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों को बुला बुला करके कहा जा रहा है कि आप क्या करने चाह रहे हैं, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं। राय लेना एक बात, लेकिन उनसे जिस प्रकार से बातें की जा रही है उस तरह से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जो आज कह रहे हैं कि हम अपनी कंडीशनों पर लगाएंगे, अपनी कंडीशन का अभिप्राय क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि समतल करने का वहां पर काम चला है, कौन लोगों को ठेका देने के लिए कहा गया है, किसको मिट्टी उठाने के लिए कहा गया है, किसको साइट डेवलप करने के लिए वहां पर दबाव डाले जा रहे हैं, ये बातें छुपी हैं क्या? इसलिए तो हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री भाग जा रही है। और यही स्थिति जो है वो हमारे बल्क ड्रग फार्मा पार्क की, जो भी उस सेक्टर में जो उस एपीआई के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लगाना चाहते हैं, यूनिट लगाना चाहते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके सामने जिस प्रकार के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, उन प्रस्तावों की परिस्थिति ऐसी है कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हकीकत यह है। और इसलिए अपनी शर्तों का मतलब मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। शर्तें ये है कि जिनको पूरा करना किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आज की तारीख में संभव नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मुश्किल है, और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तो हाथ जोड़ करके ही चले गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।